सेक्टर इंस्पेक्शन जो कमेटी है हमारी टीम है पूरी, इसको बड़ा फहाल भी हमने किया है, मजीद फहाल भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इन इश्तियारात और इन इंटरव्यू से पहले बाकायदा एक एडवर्टाइजमेंट भी अखबार में दिया गया था कि सरकारी हवाले से कोई भी ऐसा मामला, चाहे वो नौकरियों का हो, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन का हो, किसी काम का हो, किसी गैर मेयारी मामलात का हो, या कोई भी इशू हो, बाकायदा उनके नंबर्स हैं, उनका तरीक़ेकार है कि वो अपनी सारी शिकायत उस CMIT को अपनी भेजें। और हमारी जो CMIT है वो हज पे ज़रूरत इन सब एप्लीकेशंस पे या जो भी शिकायत हैं उन पे काम करेगी। इसका मकसद बनाने का सिर्फ इसीलिए कि यकीन तौर पर देखें, एक बहुत बड़ा हमारा हुकूमती सिलसिला है और चीज़ें हर लिहाज पे हर जगह पे कुछ ना कुछ एक फंक्शनैलिटी है, कहीं तरक्याती काम हो रहा है, कहीं नौकरियां हो रही हैं, कहीं हॉस्पिटल है, कहीं दूसरे और काम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यकीनी तौर पे एक मिनिस्टर है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन में बहुत सारी चीज़ों को शायद नहीं देख पा रहा, आप देख सकते हैं, आप वहाँ कोई मेम्बर होता है या वहाँ का कोई एप्लीकेंट होता है या वहाँ कोई और मुतलका शख्स है जो शायद एक आम आदमी हो, तो हमने ये इसीलिए बॉडी बनाई है कि कहीं भी ऐसी कमी बेशी नज़र आए आप उस CMIT को भेजें, वो CMIT पे बाकायदा अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे जिस हवाले से भी हो। जैसे भी आपने निस्टो की बात की है, यकीन तौर पे देखें उस कमेटी में ना तो मिनिस्टर होता है ना मिनिस्टर की कोई सिग्नेचर होते हैं। ये जितनी भी कमेटियां हैं इसके अंदर DC हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, बाकी सारे हैं, और बहुत सारी ऐसी आपकी चीज़ें हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है, उसमें जेन्युइटी होगी। हमारी यही पॉलिसी है, हमारे मेंबर भी बैठे थे, कुछ तहफ़ुज़ात हर जगह से जिस तरह आ रहे हैं, कम से कम जो बेसिक लेवल पे जो एक रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल वो इलाके के लोग करते हैं उनका उसमें हक बनता है। और यही क्लास 1 से लेके 4 क्लास की जो पोस्टें हैं, जैसे एक चौकीदार है किसी स्कूल का, कोई PN है या इस तरह के लोग हैं, या किसी ने अपनी ज़मीन उस ज़माने में स्कूल के लिए दी है और उसने एक स्टैम्प पेपर किया है कि जब भी कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, उन सारे मेरिट्स को वो भी पूरा करता है, क्योंकि एक PN और एक चौकीदार की क्वालिफिकेशन कहीं मिडिल होगी, कहीं मैट्रिक होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम बाकायदा ये सेल बनाने का मकसद सिर्फ एक चीज़ पे नहीं, हर लिहाज से है। आज एजुकेशन के कोई मसाइल होगा, कल को किसी अस्पताल का हो सकता है कल आपको 4 स्कीमात का हो या किसी और चीज़ का हो, आप बिल्कुल आप भेजें। बल्कि आपके असेंबली के आइडेंटिफिकेशन के हवाले से भी अगर CMIT को जाती हैं या हमारे पास आती है तो इंशाल्लाह इस पर पूरी एक रिपोर्ट, इस कार्रवाई होगी और जो भी चीज़ होगी इंशाल्लाह उसको सामने पेश किया जाएगा। जी शुक्रिया।